नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े न्यूज के बारे में। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बागेश्वर धाम सरकार के जो छोटे भाई हैं शालिग्राम गर्ग, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वह एक शादी समारोह में तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और वह गाली गलौज भी कर रहे हैं। तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इसकी जांच की जाएगी और उसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। क्या आपको लगता है कि कार्यवाही हो सकती है? इस वीडियो को 4 से 5 दिन हो गए हैं वायरल हुए। बागेश्वर धाम सरकार यानी जिसकी सरकार हो, क्या उसके ऊपर ऐसा हो सकता है? तो यह बाद की बात है। शासन प्रशासन इस वीडियो की जाँच करेगा और उसके बाद ही नतीजे पर पहुँच पाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक राष्ट्रीय संत श्री आसाराम जी बापू की भी। उन्होंने समाज के लिए बहुत से सारे अच्छे काम किए हैं। धर्मांतरण को रोकना, नशा प्रवृत्ति, भ्रूण हत्या और भी बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं। समाज को अपने सत्संग के द्वारा अच्छी राह पर ले जाने के लिए उन्होंने जो दिव्य ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को सुनकर करोड़ों साधक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। और उस संत को एक झूठे रेप केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। तो उसकी जो भी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी केवल आरोप के आधार पर एक सच्चे संत को जेल में डाल दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? किन ताकतों का इसके पीछे हाथ हैं? तो जो भी बड़े बड़े भारत के संत हैं, उन संतों को भी आवाज़ उठाने चाहिए। अन्यथा हमारे हिंदू धर्म के जो भी संत हैं, वह ऐसे ही जेल में डाल दिए जाएंगे झूठे आरोप लगाकर। तो अब यह देखना है, क्या सच में अगर कोई कानून को तोड़ता है और उसकी बहुत ज़्यादा चलबल भी हो, तो क्या उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है? तो आप यह वीडियो देखें। इसमें बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई हैं, यह वीडियो में तमंचा लहरा रहे हैं। आप देखें, गाली गलौज भी कर रहे हैं और सिगरेट सुलगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप ये वीडियो देखें ध्यान से, क्या यह कार्य सही है? इस वीडियो में बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम में जो महाशिवरात्रि के दिन 121 कन्याओं का विवाह किया गया था, तो उस विवाह में जो ग्राम गड्ढा है, वहाँ के ही एक गरीब परिवार ने अपने बेटे का विवाह अपने घर में ही उन्होंने किया। तो इस बात से भी नाराज बताए जा रहे हैं शालिग्राम जी। तो इसी बात को लेकर भी वह वहाँ पर पहुँच गए और तमंचा लहराया कि आपने वहाँ पर शादी क्यों नहीं की। और यह भी रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर उन्होंने बागेश्वर धाम का जो गाना है वह भी नहीं बजाया। तो उसी बात को लेकर भी बताया जा रहा है कि शालिग्राम काफ़ी नाराज़ थे और इसी बात को लेकर वह वहाँ पर पहुँच गए और तमंचा लहराया। तो यह जायज़ तो नहीं है। तो आपके जो भी विचार हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।